Hey guys, welcome back और एक नए वीडियो में दोस्तों गुड न्यूज और एक गुड न्यूज आ चुका है। अगर आपके पास Realme 10 Pro Plus डिवाइस है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आ चुका है Realme UI 5.0 Android 14 Early Access अपडेट के लिए। तो वीडियो को देखते रहिए, कौन सा गुड न्यूज है सब कुछ आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पे तरफ। दोस्तों आपको पता होगा इसी मंथ दिसंबर 2023 में Realme 10 Pro Plus डिवाइस में Realme UI 5.0 Android 14 बेस अर्ली एक्सेस अपडेट रोल आउट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करके दिया था कि आप सभी को Realme UI 5.0 जो अर्ली एक्सेस आएगा उसका जो रिक्वायर्ड वर्सन है उसके लिए और एक अपडेट आने वाला है Realme 10 Pro Plus डिवाइस में, OTA अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, और जो अपडेट आएगा वही रिक्वायर्ड वर्सन होने वाला है। तो गाइस फाइनली Realme 10 Pro Plus डिवाइस में वो जो OTA अपडेट है, फिलहाल स्क्रीन पे देख लीजिए ये जो अपडेट है इसका वर्सन है A.36। तो दोस्तों अगर आपका डिवाइस में A.35 इंस्टॉल है Realme 10 Pro Plus डिवाइस में तो आपके लिए ये अपडेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। A.36 ही रिक्वायर्ड वर्सन होने वाला है Realme 10 Pro Plus डिवाइस में Realme UI 5.0 Android 14 बेस अपडेट के लिए। और दोस्तों आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए इसका जो चेंज लॉग है उतना ज्यादा आपका बड़ा चेंज लॉग देखने को नहीं मिलेगा, आपको दिसंबर 2023 का सिक्योरिटी पैच तो जरूर मिल जाता है लेकिन इसके साथ आपको फीचर्स कुछ भी नहीं मिलता है जो हर एक अपडेट के साथ लिखा जाता है इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी, इतना ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप 100% इस अपडेट को आपका डिवाइस में अगर मिल जाता है तो आप अपडेट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। और आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो Realme 5.0 का शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है इसके रिगार्डिंग मेरे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया है, ऊपर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों उसके साथ साथ ये जो अपडेट Realme UI 5.0 का इसको आपका डिवाइस में रिसीव करने के लिए आपका डिवाइस का जो स्टोरेज वो थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा, लगभग आपको 5 या फिर 6 GB तक आपको क्लियर करना होगा, नहीं अपडेट आपका डिवाइस में रिसीव हो जाएगा। अपडेट आप कर सकते हो लेकिन अपडेट इंस्टॉल नहीं होगा, कुछ एरर आ सकता है, तो इसलिए आप आपका डिवाइस का जो स्टोरेज है लगभग 6 GB अराउंड आप उसको खाली कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस एक छोटा सा न्यूज था। तो यार अगर आपके पास Realme 10 Pro Plus डिवाइस है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, जब अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा फटाफट जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो इसलिए आप चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको व्हाट कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम चैनल में मैं सबसे पहले वहां पे अपडेट के रिगार्डिंग न्यूज डालता रहता हूं, टेलीग्राम चैनल को मस्ट भी ज्वाइन हो जाओ। तो यार इसके बाद इतना ही था, वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब करके रखना। तो यार मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय।